दोस्तों आज मैं आपको चिकन चंगेजी बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए हमने 1 किलो चिकन लिया है, 2 टमाटर का पेस्ट लिया पीस लिया मिक्सी में, धनिया है पिसा हुआ, नमक 1 से 1.5 प्याज मैंने काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, मलाई, 10 दाने काजू के, लाल मिर्च, दही 1 कटोरी, गरम मसाला, काली मिर्च और कसूरी मेथी, हरा धनिया, 4 हरी मिर्च। अब आपको और तेल लिया है, पैन में हम तेल डालेंगे, इसमें हम प्याज डालेंगे, काजू डालेंगे, तो फ्राई करेंगे जब तक हम चिकन का मैरिनेट तैयार करते हैं। जब तक हमारा प्याज और काजू होगा, हमें चिकन में हम 1 कटोरी दही ली है वो डाल देंगे, एक चम्मच से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 नमक डाल के इसको हम 1/2 चम्मच हम ये लाल मिर्च इसमें डालेंगे, इसको हम मैरिनेट करने के लिए 1/2 घंटे इसको हम छोड़ देंगे, मिक्स करके हम 1/2 आवर इसको छोड़ देंगे और हमारे ये प्याज प्याज आप देख सकते हैं हमारा काजू ब्राउन हो गया है। अब हम इसको बस गोल्डन ब्राउन करना था, गैस बंद कर देंगे और इसको इस मसाले को भी हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये हमारा मसाला है, इसको हम पीस ठंडा होने के बाद पीस लेंगे, फिर आगे के प्रोसेस हम बताएंगे। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है और ये हमने काजू और प्याज को पीस लिया है। अब हम इस में ग्रेवी तैयार करेंगे, पहले हम चिकन तैयार करते हैं। खाली कढ़ाई ले लेंगे, गैस ऑन कर देंगे, चिकन में हम नींबू निचोड़ देंगे, अब 1 नींबू 1 किलो में 1 नींबू, हम इसको बिना ऑयल के इसको कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम आंच पे पकाएंगे, बिल्कुल सूखा बनाएंगे। जब हमारा ये चिकन तैयार होगा तब हम फिर ग्रेवी तैयार करेंगे, हम इसको इस पे मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं, बस इसको ऐसे ही पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे। देखिए हमारा चिकन बिल्कुल सूख गया है, हमने इसमें पानी नहीं डाला था ना ऑयल डाला था, बस मैरिनेट को सिंपल कढ़ाई में डाल के बनाया था, और ये बिल्कुल हो गया है। अब हम दूसरे पैन में जिसमें हमने मसाला तैयार किया था, काजू और प्याज फ्राई की थी, उसी में 2 चम्मच ऑयल डालेंगे,
उसमें एक से डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर जो हमने दो टमाटर पीस रखे हैं वह उसको डालेंगे। अब हम इसमें दो चम्मच धनिया डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब बचा नमक है, पहले हमने चिकन में भी थोड़ा डाला है इसलिए हम नमक ध्यान से डालेंगे। आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। अब हम मसाले में पानी नहीं डालेंगे, एक कप दूध डालेंगे और मसाले को पकने देंगे। देखिए अब हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, 3 से 4 मिनट लगे हमें इसे बनाने में। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे, आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं। ये मसाले जो हमने तैयार किए थे काजू और प्याज का पेस्ट है वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करके अब हम अपना ये हमने ये जो चिकन तैयार किया अब ये चिकन डाल देंगे। अच्छे से इसको 1 से 2 मिनट चलाएंगे। अब हम कसूरी मेथी लेंगे 1 चम्मच भर है, इसको हम हाथ में लेके अच्छे से मैश करके इसको हम डाल देंगे। इसमें अच्छी खुशबू आ रही है, हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसको 5 मिनट हम धीमे आंच पे प्लेट लगा के पकाएंगे। हमारा चिकन चंगेजी बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हो ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है बिल्कुल। हम गैस बंद कर देंगे
हरी मिर्च और हरा धनिया से गार्निश करेंगे। इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। हमारा चिकन चंगेजी तैयार है। अब आप इसको ट्राई करें, घर में बनाएं, काफ़ी टेस्टी बनता है। थैंक यू।